सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर अमरोहा नगर पालिका में अधिशासी अधिकारी ब्रिजेश कुमार ने व्यापारियों के साथ बैठक की। बता दें कि अमरोहा में सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह से बैन हो गई है, जिस पर नगर पालिका अमरोहा की ओर से बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों को इसका इस्तेमाल ना करने की अपील भी की जा रही है। वहीं अमरोहा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी ब्रिजेश कुमार ने सोमवार को अमरोहा शहर के समस्त व्यापारी और उनके संगठनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करने और लोगों से इसे लेकर जागरूकता फैलाने की अपील की है। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नगर पालिका क्षेत्र में कोई भी सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करता हुआ पाया जाता है तो उससे 1000 से लेकर 25000 रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा और 6 साल की कारावास भी हो सकती है। आज व्यापारियों के साथ मीटिंग हुई है, क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे वर्तमान भारत सरकार ने जो है 1 जुलाई से प्लास्टिक को पूर्णतः बैन कर दिया है, जिसको दस्त करते हुए नगर पालिका ने 29 तारीख से 3 तारीख तक कैंपेन चलाया था जागरूकता के लिए, ताकि लोग जागरूक हो जाएं कि पॉलीथीन के क्या क्या नुकसान हैं और उसको कैसे बैन करना है। तो जागरूकता कार्यक्रम हमारा ख़त्म हो गया था सम्मान के साथ, और अब हमने व्यापारियों की बैठक इसलिए बुलाई है ताकि ये बात हम स्पष्ट रूप से कर दें कि नगर पालिका परिषद अमरोहा में सिंगल पॉलीथीन का जो है प्रयोग जो है वो बैन कर दिया गया, सिंगल यूज प्लास्टिक का। सर, जो इस्तेमाल करता है उन पर किस तरह की कार्रवाई? पूरी कार्रवाई होगी, इसमें 1000 से लेकर 25000 तक का जुर्माना है, 6 साल के सश्रम कारावास है। व्यापारियों की बहुत सारी समस्याएं थी, उनको सुना गया, समझा गया और एक निश्चित समय देते हुए ये कहा गया कि भाई इसके बाद अगर पॉलीथिन पाई गई तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। बता दें कि 1 जुलाई से भारत सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगा दी है, जिसके चलते अमरोहा में नगर पालिका ने 29 जून से 3 जुलाई तक जागरूकता अभियान चलाया था। इस अभियान के तहत अमरोहा की जनता को जागरूक किया गया। इस दौरान अमरोहा के सभी वार्डों, पालिका कार्यालय और जिलाधिकारी कार्यालय में शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने प्रतिबंधित प्लास्टिक और उससे बने उत्पादों को इस्तेमाल ना करने की शपथ ली थी। न्यूज डेस्क, अमरोहा टीवी।